60 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा स्टीम आयन और ड्राई आयन में डिफरेंस। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बेटर है। एंड तक शॉट जरूर देखना, लेट्स गो। देखो ड्राई आयन के नीचे ना एक सोल प्लेट होती है जिसमें से गर्माहट निकलती है जो प्रेस वगैरह करने में हेल्प करती है। लेकिन स्टीम आयन में ना छोटे छोटे छेद होते हैं नीचे जिसमें से पानी का भाप बन के निकलता है जो आपके रिंकल्स वगैरह हटाता है। देखो ड्राई आयन ना ऑलमोस्ट सारे फैब्रिक के लिए ठीक रहती है। स्टीम आयन ना मोस्ट फैब्रिक्स के लिए ठीक होती है, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर ऐसे फैब्रिक होते हैं जिनके लिए स्टीम आयन उतनी अच्छी नहीं होती। ड्राई आयरन ना जनरली ज्यादा चीपर होती है, लेकिन स्टीम आयरन जनरली ज्यादा महंगी होती है। अब सवाल ये उठता है कि आपको लेनी कौन सी चीज़। देखो यार, अगर आपका बजट ज़्यादा है, आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्टीम आयन ले लो। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप रिंकल्स वगैरह के बारे में ज़्यादा वरीड रहते हो और आप बहुत फ्रीक्वेंटली भी यूज़ नहीं करते, तब आप ड्राई आयरन ले लेना। और एक चीज़ और ले लेना, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये रेड बटन दिख रहा है उसको दबा दो और हमारा भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच।